हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस लिमिटिंग रीजेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज लिमिटिंग रीजेंट? द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्ट इनटू द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर डीलिंग विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देन देयर शुड बी वन रिएक्टेंट विच शुड बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट, जब किसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो अगर उनका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं मिलता है तो उसमें कोई भी आपका क्या होता है, कोई भी एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होता है। हाउ कैन वी फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट? हमको किसी लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे? सपोज वी हैव एग्जांपल, 6 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 4 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द रिएक्शन इज Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम द रिएक्शन, रिएक्शन ये आपका अगर सोडियम कार्बोनेट या HCl के साथ रिएक्शन किया है, सोडियम क्लोराइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बना लिया। गिव्स मोल ऑफ रिएक्टेंट, क्या क्या मोल दिया था? 6 है सोडियम कार्बोनेट HCl का, 4 रेशियो है। मोलर रेशियो क्या आ गया इसका? 3:2 आ गया। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। सीयर द गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, देयरफॉर देयर शुड बी वन रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट एंड बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, कोई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो नहीं मिल रहा है तो कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन ईजली फाइंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड। हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, इससे हम फाइंड करते हैं। देखिए स्टेप फर्स्ट, डिवाइडेड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय द रिस्पेक्टिव स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। सेकंड, सी विच रिएक्टेंट दिस डिवीजन कम आउट बी मिनिमम, द रिएक्टेंट हैविंग मिनिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर अस। ओके स्टूडेंट, जिसकी सबसे कम वैल्यू रहेगी वही हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नाउ वंस वी फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, देन आवर फोकस शुड बी ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेप फर्स्ट सेकेंड दोनों को मेजर करते देखिए, सोडियम कार्बोनेट 6/1 6 मोल आ गया, या HCl का 4/2 डिवीजन इन मिनिमम। अब देखिए मिनिमम क्या आया, 4/2 आया, सो HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम स्टेप थर्ड, फ्रॉम मोल ऑफ HCl अपॉन 2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन 1, सो मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड 2 मोल। ओके, देन द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जो 22.4 होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू 2, तो क्या आ गया ये 44.8 लीटर। ओके स्टूडेंट्स, बाई दिस मेथड वी कैन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। आई रिपीट, लिमिटिंग रिएजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन टू द रिएक्शन, मेजर करने के लिए आपको बताया क्या गया कि हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं मोल्स से रिएक्टेंट के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से, फिर क्या करते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो हमको लिमिटिंग रिएजेंट देता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।